अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी हमारे किचन में बन रहे हैं मटन मसूर, जो कि सिर्फ वन पॉट में बनेगा। चले जी, ये है 3 अदद प्याज, 2 टमाटर, 5 हरी मिर्चें, 2 तेज़पत्ता। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, 2 लौंग और 4 काली मिर्चें हैं। यहाँ हल्दी है, ये धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्ची, मैंने कश्मीरी यूज़ की है, आप नॉर्मल लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी धनिया, और वो आधा घंटा भीगी हुई मसूर है, और वो मेरा मटन। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चले जी, पहले तेल डालेंगे पॉट में, उसके बाद सारे खड़े मसाले और प्याज डालेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है हमको। मैंने ये कुकर में बनाया है, ये देखिए हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इससे ज़्यादा मत करना। इसके बाद हम लोग हमारा मटन ऐड कर देंगे। आप चिकन से बना रहे हैं तो अभी ये स्टेज पे आपको चिकन भी ऐड करना है। इसके बाद इसमें 2 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और 1.5 टीस्पून जो है वो नमक जाएगा। इसके बाद इसे अच्छे से भूनना है, हर एक स्टेप के बाद भूनना जो है वो ज़रूरी है, तभी मटन का और सारे मसालों का अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद मैंने इसमें 5 हरी मिर्चें बीच में से चीरा मार के डाली हैं। इसके बाद ये 6 बड़े टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट है। हर एक स्टेप के बाद आपको भूनना लाजमी है। देखिए, जिंजर गार्लिक के बाद भी मैंने भूना है और ये हमारा मसाला जो है तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और फिर भूनेंगे। भूनना लाजमी है, भूनना ना भूलिए। इसके बाद 2 टीस्पून जो है भर के हम लोग धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर से अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में। ये ग्रेवी टाइप नहीं रहेगा, थोड़ा सूखा ही रहेगा। इसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्ची पाउडर डाली है। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं या दादड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और इसे फिर अच्छे से भूनेंगे, ताकि मसाला जो है वो तेल तो ऑलरेडी छोड़ा है, अब ये मसाला और अच्छे से भून के तेल छोड़े। अब इसके बाद 1/4 कप मैंने पानी डाला है, ताकि मसाला चिपके ना, और उसके बाद अच्छे से भूने। फिर यहाँ पे मैंने 2 कप पानी डाला है। अब इस पे हम लोग जो है वो विसल लगाएंगे। मैंने कुकर में बनाया है तो 3 विसल तक इसको पकाएंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। उसके बाद देखिए, अब चेक करते हैं कि हमारा मटन गला है या नहीं। अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो 1 विसल या 2 विसल बहुत हो जाएगी। देखिए, हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। अब इसके बाद हमारी जो सोक की हुई, मैंने आधा घंटा सोक की थी ये मसूर की, काले मसूर, इसको ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करिए। इसके बाद इसमें हम लोग 1/2 कप पानी डालेंगे, क्योंकि जो मसूर है वो पानी और सोखेगा, इसके लिए 1/2 कप पानी डालना लाजमी है। इसे फिर 2 से 3 विसल लगाइए और देखिए हमारा मटन मसूर रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।